Hey guys, what's up? Yes, I'm back again. I'm not gonna say anything. जो भी मैं अपनी पिछली वीडियोस में बोलता हूँ इंट्रो में, सो लेट्स जस्ट डायरेक्टली हॉप ऑन टू द वीडियो बिकॉज आई नो यू गाइज विल बी लाइक कि ओ ही इज बैक, वाई यू आर नॉट एक्टिव ऑन यूट्यूब. तो लेट्स जस्ट कट इट आउट. मैं बार बार एक्सप्लेन कर करके एंड समझा समझा के आई डोंट नो कि मैं कर पाऊंगा वो, बट एनीवेज ये वीडियो आ गया, लाइव आ गया. तो जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस वीडियो. यस, इट्स ऑल अबाउट फैशन बिकॉज एवरीबडी इन माई कमेंट सेक्शन एंड इन DMs पूछते रहते हैं कि वेयर डू यू बाय दिस शर्ट फ्रॉम, वेयर डू यू बाय दिस टी शर्ट फ्रॉम, पैंट्स फ्रॉम, जैकेट फ्रॉम, ब्ला 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 एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो यस, बिल्कुल सही जगह पे आए हो. आज आपको सब कुछ बताऊंगा कि मैं क्या चीज़ मोस्टली मैं कहाँ से बाय करता हूँ और मेरे जो आउटफिट्स रहते हैं वो कहाँ से हैं, किस ब्रांड के हैं. तो डोंट गो एनीवेयर, स्टे राइट हियर एंड मैं आपको बताऊंगा कि मैंने जो भी आज के वीडियो में आउटफिट्स जो होंगे वो कहाँ से परचेज किए हैं. तो बने रहो. एंड आई थिंक आप लोगों ने टाइटल से गेस कर लिया रहेगा कि मैंने कहाँ से लिए हैं ये सारे कपड़े. सो यस, यू गाइस आर राइट, इट्स From Fashion Nova. Woohoo. And guys, मैं एक चीज क्लियर कर दूं, Fashion Nova is one of my favorite brand. I'm not even kidding. मैंने पिछले 6-7 months में ज्यादा कपड़े नहीं लिए हैं, मतलब ऐसे मॉल से. ऑलमोस्ट मेरा हाफ ऑफ द क्लोजेट इज फुल ऑफ Fashion Nova clothes. And I love their quality, their designs, like everything about them. So let's see, मैंने इस बार के order में क्या क्या कपड़े मंगवाए थे. Let's have a look. And I guess उसमें से मैंने दो तीन में स्टोरी या पोस्ट आपने मुझे देखा रहेगा, तो आज मैं आपको प्रॉपर से उसका डिटेल वर्जन दिखाऊंगा. सो लेट्स गो. कहीं गो वो नहीं कर रहे, यहीं पे बस मैं दिखाता हूँ. अभी नीचे पड़े कपड़े मेरे पास. Let's start with the first product, which is ट्रिपल पॉकेट नायलॉन कार्गो पैंट्स. एंड गाइज, एज यू नो, आजकल कार्गो बहुत ज्यादा ट्रेंड में है. सो दीज आर वेरी सिक कार्गो पैंट्स, लाइक डिजाइन एंड एवरीथिंग, द क्वालिटी, द मटीरियल, एवरीथिंग इज परफेक्ट. ये है कार्गो पैंट्स. इसका जो क्वालिटी है आप देख सकते हो, जो मेरे साइड पे क्लिप रहेगा, ये कितने क्रेजी दिखते हैं कार्गो पैंट्स. सो आई रियली लाइक द डिजाइन ऑफ दिस कार्गो पैंट बिकॉज इसके जो यूटिलिटी पॉकेट्स हैं उसकी वजह से, बिकॉज आई लव यूटिलिटी पॉकेट्स वाले कार्गो पैंट्स. एंड प्लस यू गेट इनफ स्पेस टू कीप योर यू नो ऑब्जेक्ट्स. ऑब्जेक्ट्स तो नहीं, मतलब कुछ भी अगर सामान रखना है, जैसे फोन, वॉलेट, कीज, एनीथिंग, लाइक जो भी आपको पॉकेट में रखना है, तो यू हैव इनफ स्पेस टू कीप ऑल योर बिलोंगिंग्स इन दिस पॉकेट. So, ये रीजन है. प्लस आई लव द कलरवे ऑफ दिस कार्गो पैंट. इट्स थोड़ा बेज एंड ग्रीन में मिक्स है. आई डोंट नो लाइक द स्पेसिफिक कलर, बट आई लव इट. एंड गाइस, जो मैंने ये टी शर्ट भी डाली है ना, दिस इज फ्रॉम Fashion Nova. एंड आई गेस आपने ये मेरे स्विट्जरलैंड के ट्रिप में या मुझे कभी किसी की स्टोरीज में या किसी की पोस्ट में कहीं तो देखा रहेगा इस टी शर्ट में. तो यस, दिस इज ऑल्सो फ्रॉम Fashion Nova. सो वन थिंग अबाउट Fashion Nova इज लाइक कि जो सबसे ज्यादा मुझे Fashion Nova से पसंद है वो है उनकी टी शर्ट्स, बिकॉज आई लव ग्राफिक ओवरसाइज टी शर्ट्स एंड दे हैव सम अमेजिंग कलेक्शन. सो डू चेक इट आउट. सो लेट्स हॉप ऑन टू नेक्स्ट आइटम एंड देखते हैं कि नेक्स्ट आइटम क्या है. सो नेक्स्ट आइटम इज, इसका मैं आपको प्रॉपर नेम बताऊंगा कि अगर आपको सर्च करना हुआ सेम आइटम तो यू कैन सर्च द एग्जैक्ट थिंग. 12 ट्रकर कोर कलर ब्लॉक जैकेट. इतना लंबा नाम क्यों, कलर ब्लॉक जैकेट रखो ना नाम, बिकॉज यू सी. तो इसको मैं खोलता हूँ, मैंने खोला भी नहीं अभी तक ये जैकेट. सो यस गाइज, ये है अपना जैकेट. एज यू कैन सी वीडियो में, इसका कलर वे इज थोड़ा डिफरेंट फ्रॉम द रेगुलर वंस. इट्स अ डेनिम जैकेट ओनली. मैंने इस जैकेट को इसलिए उठाया बिकॉज आई लाइक द कलर वे ऑफ दिस जैकेट. मतलब एज यू कैन सी, हाफ कलर इज ब्लू में एंड हाफ इज रेड एंड बेज. एंड ये कलर ही ऐसा है कि मतलब किसी की नजर में आएगा तो इज लाइक दैट गाय और दैट गर्ल विल स्टेयर यू फॉर सेकेंड्स की मतलब ये क्या डाला है उसने. तो That's why I picked this jacket and this looks very dope. And जब डाला हुआ मैंने तो आप देख ही सकते हो कितना अच्छा लग रहा है जैकेट. सो या, दिस वॉज अ जैकेट. एंड गाइज, इसमें आई बॉट टू कलर्स एंड जो सेकेंड कलर होने वाला है वो मैंने इसलिए उठाया बिकॉज आई वॉन्टेड सम ब्राइट कलर्स इन माई वॉर्डरोब.
So that's why I picked that color. Are you guys ready for the next color? Because I am. And that color is, you're gonna like, wow, what a color. मतलब आधे लोगों आधे लोग will be like, ऐसा कलर लिया क्या? बट दिखाता हूँ मैं. ये भी जैकेट मैंने अभी तक खोला नहीं है. गाइज आप ये देख सकते हैं, मैंने जैकेट डाला एंड ऑब्वियसली आई प्रेफर दिस कलर. जो मैंने पिछला एक कलर दिखाया था उससे प्रेफर मैं ये वाला कलर करूंगा, बिकॉज मैंने जो फर्स्ट पॉइंट बोला, आई रियली वॉन्टेड यू नो ब्राइट कलर्स इन माई वार्डरोब. एंड ये जैकेट में सब कुछ है, हर कलर है. तो आई लव दिस जैकेट. ये भी एक डेनिम जैकेट है, दोनों डेनिम जैकेट थी. बस मैंने इनको इसलिए उठाया बिकॉज ऑफ देयर कलर वे. एंड मेरे पास दो डिफरेंट कलर वेज हैं. इसका मैं आपको कलर वे का नाम बताना भूल गया, सो सॉरी अगर आपको ये ट्राई करना हुआ. सेम इसका भी यही है, ट्विल ट्रकर कोर कलर ब्लॉक जैकेट. दोनों का नाम सेम ही है. एंड अगर आपको सेम चाहिए तो सेम सर्च करो नाम एंड यू विल गेट इट. सो गाइज आई लव द यू नो पर्पल ब्लू ग्रीन पिंक येलो एवरीथिंग अबाउट दिस जैकेट. सो या ये था इसका सेकेंड कलर. सो लेट्स हॉप ऑन टू नेक्स्ट आइटम एंड देखते हैं कि नेक्स्ट आइटम क्या है हमारे पास. ओह यस. एंड एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा, मेरे को फैशनोवा की ये पैकिंग बहुत ज्यादा पसंद है. आपका यूज आएगा ये, जो भी आपका इसका पॉली बैग है ना, जिप लॉक वाला बैग जो है इसका, बहुत ज्यादा यूज आता है. कभी अगर आप जैसे मान लो ट्रिप पे जा रहे हो, आप अपनी टी शर्ट्स या कुछ इसके अंदर रख के आप इसको फुल ऐसा स्क्वीज करके अपना सूटकेस में डाल सकते हो, जिससे आपके पास ज़्यादा स्पेस भी रहेगा लगेज में. तो मेरे को ये पैकिंग बहुत पसंद आता है इनका. सो द नेक्स्ट आइटम इज रॉक स्टार फॉक्स लेदर पैंट्स. एंड गाइज आई एम गोना टेल यू वन थिंग, आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ लेदर पैंट्स. सेकेंडली इंडिया में फॉर मेन्स यू वोंट गेट लाइक लेदर पैंट्स, मतलब मिलेगा बट ओनली इन ब्लैक कलर. अदरवाइज एज सच मैंने किसी शोरूम में लेदर पैंट्स नहीं देखा. एंड दिस इज अ ब्राउन लेदर पैंट विच आई गॉट इट फ्रॉम फैशनोवा. सॉरी माई थ्रोट इज. सो यस लेट्स सी ये कैसा पैंट है. अभी तक मैंने खोला भी नहीं था. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट गाइज, इसका लेदर इज रियली वेरी जेन्युइन. मतलब ऐसा नहीं है कि आप इसको एक दो वॉश में डालो तो इसका लेदर क्रैक हो जाए, मुझे ऐसा लग तो नहीं रहा. बिकॉज आई हैव बीन अ गाय जिसको लेदर के बारे में नॉलेज है, बिकॉज मैंने काफ़ी लेदर प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं, चाहे वो जैकेट्स हो पैंट्स हो. तो येस आई कैन सी, आप देख सकते हो वीडियो में, दिस लुक्स क्लासी. एंड डेफिनेटली आई एम गोना पोस्ट सिक पिक्चर्स विद दिस लेदर पैंट. तो स्टे ट्यून्ड, मैं इंस्टाग्राम पे बहुत जल्दी डालूंगा बिकॉज आई लव लेदर प्रोडक्ट्स. सो येस ये था leather pants from Fashionova. So let's see next item kya hogi. Isko bhi let's see next item niche pitare mein kya padi hai. Okay yes I guess this is a sweater, chunky knit solid sweater. Yes let's open this up. Woo गाइज एज यू कैन सी आई एम अ वेरी शॉपाहोलिक पर्सन. मेरे को हर चीज ही पसंद लगती है. मैं हर चीज में बोलूंगा आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ दिस, आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ दिस. सो येस मेरे को सॉलिड कलर में जो निटवेयर रहते हैं ना, जिनका स्पेशली जो ऐसा टेक्स्चर रहता है ना, आई लव दोज स्वेटर्स. एंड मेरे पास सिर्फ इसमें ब्लैक कलर था, तो तभी मैंने इसमें एक ग्रे कलर ऑर्डर किया है जो कि लुक्स डोप क्लासी सिक, जो मैं तीनों वर्ड्स बाकी के प्रोडक्ट्स में बोल चुका हूँ ऑलरेडी. मेरे को नए वर्ड्स बोलने पड़ेंगे आगे के प्रोडक्ट्स में. बट एनीवेज एज यू कैन सी मुझे डाला है, जैसे इसको आप कैसे भी स्टाइल कर सकते हो, इसके नीचे शर्ट डाल सकते हो, इसके नीचे आप, आई प्रेफर वेयरिंग अ टी शर्ट, मतलब ये टी शर्ट के ऊपर ही आई प्रेफर टू वेयर दिस स्वेटर. और यू कैन वेयर अ वेस्ट शर्ट एनीथिंग, बट ये स्वेटर सिर्फ सर्दियों में डलने वाली आइटम है. बट एज यू नो मी, मैं तो इसको अभी गर्मियों में भी डाल लूंगा, बिकॉज जब मेरे को फिर फोटोशूट कराना है, देन आई डोंट सी कि गर्मियाँ हैं सर्दियाँ हैं बारिश है जो भी है, जो मेरे को डालना रहता है मैं डालता हूँ. तो येस ये है सॉलिड ग्रे का निट स्वेटर एंड आई लव दिस स्वेटर. सो लेट्स कीप दिस असाइड. Let's see what do we have next. Oh yes, guys, जो next item है, I guess आपने मेरी ये stories, videos, post कहीं तो देखा ही रहेगा definitely. And as you know, I'm a huge fan of varsity jackets.
मैं हर चीज़ का वैसे तो ह्यूज फैन हूँ, मैं बार बार वो चीज़ें क्यों बोल रहा हूँ, बट एनी वे. सो द नेक्स्ट आइटम इज अ वासिली जैकेट विच आई ऑर्डर फ्रॉम फैशन ओवा. सो गाइज, इसका जो आर्म है, दीज आर लेदर, एंड इसका जो मतलब कलर है आर्म का वो है ऑफ वाइट में, बहुत लाइट ऑफ वाइट में है. एंड ऊपर जो इसका ये है पर्पल में, जो इसका ये मटेरियल है, मेरे को मटेरियल का एग्जैक्टली नेम नहीं पता. दिस इज थोड़ा विंटरेज स्टफ, जो थोड़ा सा व्हाट डू वी कॉल, क्या बोलते हैं यार उसे, One eternity later. I just lost it. But anyways, this varsity jacket looks amazing. Yes, new word. अब जैसे कि यू कैन सी, मैंने ऐसा डाला है इसको, कैसे भी स्टाइल करो वासिटी जैकेट्स, तो मतलब मैं तो ऐसा बेयर बॉडी में भी डालूँ, नीचे वेस्ट डालो, नीचे टी शर्ट डालो, शर्ट डालो, जैसे स्टाइल करना है करो, जैसे आपको पसंद है. एंड येस, इसके कलर के कारण ही मैंने इसको उठाया है. एंड इसमें दो कलर्स थे, इसमें एक ग्रीन कलर था एंड एक पर्पल था. एंड आई डोंट रिमेम्बर मैंने इसका ग्रीन कलर क्यों नहीं उठाया, बट नेक्स्ट टाइम मैं इसका कुछ अगर न्यू कलर भी आएगा तो डेफिनेटली आई एम गोना पिक दैट. आई लव वासिटी जैकेट्स. As you can see, मेरे पास दो तीन पुरानी भी एक जैकेट्स हैं जो आपने देखी रहेंगे मेरी पोस्ट में. सो लेट्स सी नेक्स्ट आइटम क्या निकलेगी पिटारा से. ओह यस, टी शर्ट्स. मतलब मैंने स्टार्ट में बोला था, द वन थिंग दैट आई लव द मोस्ट फ्रॉम फैशन ओवा इज उनके बेसिक टी शर्ट्स, ग्राफिक वाले टी शर्ट्स. सो मैंने इस बार ज्यादा टी शर्ट्स नहीं मंगाया, बिकॉज मेरा लास्ट जो मैंने ऑर्डर था उसमें मैंने बहुत सारे टी शर्ट्स मंगाए थे. तो येस, आई ऑर्डर दिस टी शर्ट एंड आई गेस यू हैव ऑलरेडी सीन दिस टी शर्ट, जो मैंने अभी तो चलो डाला है, बट आई गेस यू मस्ट हैव सीन दिस टी शर्ट ऑन MNV TV. तो येस, एंड आई गेस किसी की स्टोरीज में भी देखा रहेगा. तो और जो दूसरा टी शर्ट मैंने मंगाया है वो है ये, इट्स टूपैक, टूपैक का टी शर्ट, टूपैक का ग्राफिक डिजाइन टी शर्ट. येस, ये मैंने दो टी शर्ट्स मंगाए थे इस बार फैशन ओवा से, एंड दीज टी शर्ट्स लुक डोप. एंड मैं हमेशा अपने साइज से दो साइज बड़ा ऑर्डर करता हूँ, बिकॉज आई लव ओवर साइज क्लोथ, सो आई लव वेयरिंग ओवर साइज टी शर्ट्स. एज यू कैन सी राइट नाउ, आई एम वेयरिंग एन ओवर साइज टी शर्ट, इसीलिए मैं हमेशा ओवर साइज टी शर्ट्स के लिए उनको दो साइज बड़ा मंगाता हूँ. तो येस, मैंने इस बार ये दो टी शर्ट्स ऑर्डर किए थे, एंड आपने देखा क्लिप्स में ये भी कितने अच्छे लग रहे हैं, नॉर्मल फॉर यू नो, कहीं नीचे जा रहे हो, कहीं बाहर जा रहे हो, कहीं कैफे में जा रहे हो, नॉर्मल डेली रूटीन के लिए यू नो, गुड टू गो. सो लेट्स सी, हाँ हाँ पता, टाइम हो गया. सो लेट्स सी नेक्स्ट प्रोडक्ट क्या निकलेगा. ओह वाव, काफी बड़ी पैकिंग है. सो इसके बारे में आपको मैं बता दूं, ये सेम जैकेट मेरे पास ऑलरेडी है इन ब्राउन कलर, जो मैंने पेरिस में डाला था. पेरिस के आई गेस आपने मेरे एक दो पोस्ट में तो डेफिनेटली वो ब्राउन कलर का जैकेट देखा रहेगा. सो बेसिकली इट्स अ क्रॉप जैकेट, क्रॉप पफर जैकेट विद लॉन्ग नेक, ऐसा जो आपको याद आ गया रहेगा जैसे मैं आपको बता रहा हूँ. येस, इस बार ये मैंने मंगाया है ग्रीन, यू नो वेरी पेस्टल ग्रीन काइंड ऑफ कलर है इसका, एंड आई लव दिस जैकेट. अभी आप क्लिप देखो, क्लिप में मैं कितना स्मार्ट लग रहा हूँ, एंड ये जैकेट कितना अच्छा लग रहा है. गाइज, आपको भी ऐसा स्मार्ट दिखना है तो प्लीज जाके फैशन ओवर से ऑर्डर करो कपड़े, प्लीज. दिस लुक्स डोप, फायर फायर है. क्लिप में देखो बस गाइज, क्या प्यारा लग रहा है ये जैकेट. येस, आई लव दिस जैकेट, आई लव द कलर वे, एंड प्लस आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ क्रॉप टॉप, सो हर चीज का मिक्सचर है इसमें, तो और क्या ही चाहिए. एस्थेटिकली भी अच्छा लग रहा है, यू नो कलर वाइज भी अच्छा लग रहा है, ऊपर से क्रॉप भी है, ऊपर से पफर भी है, सर्दियों का यू नो बेस्ट वो है जैकेट टू वेयर इन विंटर. अभी एक लास्ट आइटम है जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, विच इज माय फेवरेट प्रोडक्ट. वेट, आई शो यू. नहीं, लास्ट नहीं है, सेकंड लास्ट आइटम है. ये मेरी दो बेस्ट, मुझे चाहिए थी काफी टाइम से दो चीजें, मतलब वन इज वेरी कॉमन जो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, बट मुझे ऐसे कहीं पे ऐसे मॉल में या कहीं पे ऐसे स्टोर में कहीं ऐसे पसंद नहीं आई, तो ये मैंने यहाँ से ऑर्डर की थी. दैट इज अ डंगरी. सो यस, एंड वो रहा यहाँ पे. ये फाइनली, आई गेस दिस इज माय फर्स्ट डंगरी इन माय वार्डरोब. सो ऑब्वियसली कोई फर्स्ट चीज जो आपकी वार्डरोब में आती है तो यू ऑब्वियसली लव इट, एंड आप देख सकते हो. सो बेसिकली मेरा माइंडसेट ऐसा था कि प्रॉपर ऐसा जिम में थोड़ा सा बॉडी वॉडी बना के, फुल बेयर बॉडी और ऐसा डंगरी डाल के मेरे को फोटोशूट करना है, जो कि मैं बहुत जल्दी करूँगा.
अभी थोड़ा एक्चुअली मैं बहुत बिजी स्केड्यूल चल रहा था जिसके कारण अभी मेरा जिम भी नहीं लग पा रहा, बट डेफिनेटली आई एम गोना हिट जिम सून। थोड़ा अभी ट्रिप्स भी हैं तो ऑब्वियसली वो सब काम खत्म करने के बाद 2-3 months फुल डेडिकेशन से मैं जिम लगाने वाला हूँ, जिससे मैं थोड़ा सा ऐसा यू नो ऐसा बॉडी वॉडी बना के ऐसा फुल ऐसा ये फोटोशूट करूँ मैं। वो बहुत जल्दी आप देखोगे पिक्चर्स, बट स्टिल इसको मैं अलग अलग वे में अलग अलग तरीकों से स्टाइल करूँगा एंड यू नो वेयर यू कैन सी माई पिक्चर्स। जो जो मुझे फॉलो नहीं करते हैं इंस्टाग्राम पे, ये रहा मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल, सो या गो फॉलो मी देयर एंड आपको पता चल जाएगा। जो भी मैंने आज आपको कपड़े दिखाए आपको सारे वहाँ पे दिखेंगे, बिकॉज मैं इन सबको अलग वे में स्टाइल करके अपनी प्रोफाइल पे अपलोड करने वाला हूँ, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। सो यस, लेट्स मूव ऑन टू आवर लास्ट आइटम विच इज वन ऑफ माई फेवरेट आइटम्स फ्रॉम फैशन नोवा अभी तक, बिकॉज इनके ये जस्ट न्यू लॉन्च में आया था एंड मैंने साथ में ऑर्डर किया। इट्स अ सेट एंड आई गेस ये भी शायद आपने स्टोरी में देखा रहेगा, मैंने ज्यादा अपलोड नहीं किया था बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू रिवील दिस आउटफिट ऐसे, तो इसको मेरे को प्रॉपर से इसके साथ अच्छे से शूट करना है, अच्छे से इसको यू नो रिवील करना है, बट वेट आई विल शो यू बिकॉज ये थोड़ा हैंगर में मैंने डाल रखा है, तो आई हैव टू गेट अप एंड गेट इट बिकॉज आई लव दिस, आई लव दिस फिट। सो तारा, ये रहा वो सेट। आपको के सेट कैसा है? ये है इसके पैंट्स। सो इसका बहुत ना ऐसा पफर, वेरी लाइट पफर मटेरियल है एंड द कलर वे इज बेसिकली ये थोड़ा जेलर वाला आउटफिट है, यू नो जो जेल में लोगों का आउटफिट रहता है ऐसा ऑरेंज, फुल ऑरेंज, तो वैसा आउटफिट है, बट फैशन के लिए क्या कुछ नहीं कर सकता मैं तो। एज यू कैन सी मैं इसके बारे में क्या एक्सप्लेन करूँ, आपको दिख रहा है वीडियो में, ओवरऑल पूरा ऑरेंज है एंड जैकेट है, नीचे ट्राउजर्स काइंड ऑफ थिंग है, नॉट डेनिम्स, इट्स अ लोअर काइंड ऑफ थिंग। या मतलब मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकता बिकॉज इसकी वीडियो ही सब कुछ आपको बता रही है। तो येस आई लव दिस आउटफिट, ये पूरा सेट, लव इट। तो येस इसको साइड में रखते हैं एंड गाइज दैट वॉज इट फॉर द वीडियो। मैंने जितने कपड़े इस बारी फैशन ओवर से मंगाए थे मैंने आपको सब दिखाए हैं, जो 2-3 आई गेस रह गए होंगे वो मैं आपको स्टोरीज में डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूंगा। गाइज येस ये था मेरा एक छोटा सा यूट्यूब वीडियो आफ्टर एजेस, बट एनी वेज स्टिल सब्सक्राइब कर दो यार, मैं कुछ प्लान कर रखा हूँ अपने यूट्यूब के लिए बट आई नीड टाइम फॉर दैट। वो बहुत जल्दी चीज मिलेगी आई गेस बाय द एंड ऑफ दिस ईयर मैं वो चीज होपफुली स्टार्ट कर दूं। Don't forget to subscribe me. Please subscribe कर दो जिस जिसने नहीं किया and don't spam me मेरे को कि आप YouTube वीडियो डालो 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 डालो। Guys, जो मैंने आपको जस्ट बताया कि मैंने कुछ प्लान किए है, बस मुझे वो प्लान मेरा जो है ना वो मेरे को बुलजाए लग जाए एंड मैं वो चीज़ YouTube पे स्टार्ट कर पाऊँ। तो yes, wait for it. So yes, ये था मेरा एक फैशन ओवर का क्यूट सा हॉल जो मैंने कपड़े मंगाए थे एंड आपको भी पता चल गया कि मैं क्या क्या डालता हूँ। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। वीडियो शेयर करो सबसे ज्यादा, सबके साथ शेयर करो, जिस जिसको आउटफिट के बारे में पूछना था, जिन लोगों को जानना था कि मैं आउटफिट कहाँ से लेता हूँ, क्या क्या डालता हूँ, कैसे डालता हूँ, सो ये था वो सारा वीडियो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी, होपफुली मैं बहुत एक अच्छा सा कोई व्लॉग फिर से डालूँ इसके बाद। यस मैं डालूंगा डेफिनेटली। सो यस विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, सी यू, पीस आउट, बाय बाय।